आज हम आए हैं हर की पौरी में और हम देख रहे हैं आरती जो की जाती है शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है और ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता है जो हमने देखा। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे तक था ये आरती और एक बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिख रहा था। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सभी को एक ना एक बार इस जगह ज़रूर जाना चाहिए और आप अगर आप अपने माता पिता को ले जा सको तो इससे बढ़ के और कोई बात हो नहीं सकती। तो ये वीडियो में मैंने पूरा जो आरती है उसको कवर करने की कोशिश की है और मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे पत्नी जी को, मेरे बेटी आशना को बहुत ही अच्छा लगा और मुझे तो इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम इस चीज़ को विटनेस कर पा रहे हैं। तो हम एक जगह से पूरा आरती को देख रहे थे क्योंकि मुझे शूट करना था, तो एक ही जगह पे हम सारे थे और यहाँ से हम देख रहे थे। काफ़ी दूर था ये, मगर हम इसको कैप्चर करने की कोशिश हमने की है और पूरा आरती को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हालांकि पूरा आरती 1 घंटे का, तकरीबन 1 घंटे का था, मगर मैंने इसको थोड़ा एडिट करके इसको थोड़ा सा कम किया है, तो आधे घंटे के करीब होगा ये वीडियो। और पत्नी जी, आपको कैसा लगा इस जगह जाके और ये जो दृश्य देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग छोटे जब थे तब हम लोग देखते थे कि गंगा आरती हो रहा है टीवी में, लेकिन खुद से विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच्ची में देख रही हूँ गंगा आरती यहाँ पे खड़े होके माँ गंगा का। जो इतना अच्छा लगा, यहाँ पे सबको आना चाहिए, एक बार आके ये देखना चाहिए कि इतना सुंदर गंगा आरती होता है। जो इस चीज़ की कोई विशेषता है जो आपको पता है गंगा आरती की? गंगा मैया को तो सभी पूजा करते हैं और एक चीज़ है कि यहाँ पे वो अमृत गिरा था, मुझे जितना मालूम है। हाँ, तो उसकी वजह से शायद होता होगा, मुझे नहीं, इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं छोटे से देख रही हूँ कि यहाँ पे गंगा आरती होता है। यहाँ पे जो आरती होता है इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग विशेषता है। आरती आप अगर देखो मंदिर में हर जगह पे होता है, मगर यहाँ पे आप आके और गंगा के किनारे ये चीज़ हो रहा है और आप जिस तादाद में लोग यहाँ पे हैं, इस चीज़ को देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना महत्व है इस चीज़ का। सब बैठ के देख रहे थे और आप विश्वास नहीं करोगे कि एक जो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि हाँ, एक इस तरह का एहसास हो रहा था कि ये एक अलग ही चीज़ है और भगवान के करीब आप हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और ये जो आप पूरा जो देख रहे हो ये दृश्य, ये आप अगर आओगे, और जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही होगा, मगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं यही बोलूँगा कि आप सभी को आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए इस चीज़ को। हमने जिस दिन ये आरती शूट किया था उसी दिन सुबह हमने गंगा स्नान हम सभी ने किया था, सुबह सुबह आके, और शाम के वक्त हमने रखा था आरती के लिए। तो पूरा शाम हमने आरती को समर्पित किया, देखा, और सारे पंडित वगैरह जो पूजा कर रहे थे और उसको जो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, पंच प्रदीप जो उससे प्रदीप को लेके जो वो आरती करते हैं, वो बहुत ही सुंदर दृश्य है। और वो लास्ट के तरफ है। मतलब जब वीडियो ख़त्म होने जब आरती ख़त्म होने लग रही है तब वो सीन है, तो आप उस चीज़ को देखना। और अगर आपको पूरा जो आरती है वो देखना है, आप पूरे वीडियो को देख सकते हो। पूरे वीडियो में मंत्र बोले गए हैं और पूरा कवर किया है इन लोगों ने मंत्र बोल के, और पूरा पूजा कवर करते हैं लोग। पौने एक घंटे का पूरे समय लगा के होता है ये चीज़। और अभी आप देख रहे हो कि पूरा मतलब रात नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा सा ढलने लगा है, दिन ढलने लगा है। और ये जब ख़त्म होता है तो पूरा रात हो चुका होता है, और पूरे लाइटिंग वाइटिंग से बहुत ही सुंदर आपको ये दृश्य देखने को। और स्क्रीन भी तो लगा हुआ है कि सभी देख सके। हाँ, दूर तो, अगर बैठे हुए हैं तो स्क्रीन से भी हम लोग देख सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक ये किया है मैनेजमेंट फैसिलिटी। हाँ, एक अच्छा फैसिलिटी है। तो उसको भी मैंने यहाँ से जो स्क्रीन हमें दिख रहा था लास्ट के तरफ, आप देखोगे कि मैंने उसको भी थोड़ा सा शूट किया है ताकि हम उसको भी देख सकें कि कैसे वो पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ इस जगह पे नहीं, आप अगर देखो तो पूरा वो ये ब्रिज जो आपको दिख रहा है सामने, ये तो एक है, उसके बाद जो ब्रिज है वहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और सारे मतलब आरती पूरा जगह को कवर करके चल रही थी। और वहाँ पे पूरा एकदम नदी के सामने खड़े होके वो आरती कर रहे थे। एक्चुअली ये जो है ना ये ब्रह्म कुंड है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे पूजा होता होगा शायद। तो वीडियो लंबा है, आप देखिए। और जिन लोगों ने नहीं देखा, आप वीडियो के माध्यम से आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, इस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे लिए ये पहली बार था, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो देखना चाहते हैं, जो जा नहीं पा रहे मगर देखना चाहते हैं कि गंगा आरती होता कैसा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको थोड़ा सा ही शूट किया है, मैंने पूरा आरती को कवर किया है। तो आप इस चीज़ का पूरा लाभ उठा सकते हो। और आप देखिए पूरा वीडियो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमें बताना ज़रूर। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आए और आपको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस कराए। इस वीडियो के बाद और बहुत सारे वीडियोस हैं हरिद्वार के जो हमने ली है, तो वो आने वाले वीडियोस में आप उन जगहों को आप देख पाओगे। अभी के लिए आप देखिए और आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। जी आपको कुछ बोलना है? मतलब मुझे ये बोलना है कि जो लोग थोड़ा सा बड़े हो गए, मतलब हम लोगों के जैसे एज हो गया, अपनी मम्मी पापा को लेके ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आके एक बार दर्शन करवाना चाहिए कि उन लोगों को भी वो लाभ मिले। बोलते हैं ना कि यहाँ पे अगर नहा लिया ना तो जितना भी पाप हम लोगों ने किया है वो धुल जाता है। और मम्मी पापा को लेके आना मतलब ये एक पुण्य का काम है हम लोगों के लिए। तो ये एक बार सभी को करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपने एकदम सही बात बोला पत्नी जी। हम सभी को अपने माता पिता को लेके अगर हमें मौका मिले तो लेके आना चाहिए ज़रूर, उनको दर्शन कराना चाहिए ये। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने हमें इस चीज़ को करने का मौका दिया। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। मतलब हम लोग जब छोटे थे तभी हम लोगों के मम्मी पापा ही हम लोगों को लेके दिखाना ये सब करना। हाँ, मम्मी पापा ही करते थे। अभी हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग भी दिखाएं इन लोग मम्मी पापा को कि ये जगह देखिए इतना, मतलब जैसे हम लोगों के मम्मी पापा ने देखा नहीं, ये जो जगह नहीं देखा तो इन लोगों को दिखाना चाहिए। यस, ये तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो लोग कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग नहीं कर सकते वो हमारे इस वीडियो को देख के इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी देखते रहिए वीडियो को और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम अभी यहीं पे हमारे जो भी जानकारी था इस जगह के बारे में या जो भी हम महसूस करते हैं इस जगह के बारे में हमने आपको बताया। तो आप देखिए और आरती का मज़ा लीजिए। और आप लोगों को कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ मालूम है कोई तो और इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अगर हो तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। वो हमें भी जानना है कि इसके बारे में इसका महत्व क्या है, क्यों होता है ये गंगा आरती, हमें नहीं मालूम है कि ये क्यों होता है। तो मतलब जितना हमें मालूम है उस बेस पे हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। मगर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता या जैसे हमें भी पूरा सब कुछ नहीं पता। तो आप लोग अगर हमें बता सकते हो तो ये हम सब के लिए लाभदायक होगा, सबको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी और एक अच्छा काम होगा ये हमारे लिए। बैठा तो नहीं खड़ा ही करा रोम भी तो कुछ पूरा हम लगभग अभी वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा आरती हो चुकी है और सब आके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे आप सभी का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करें। तब तक के लिए बाय बाय।